यार मैं पढ़ने तो वुमेन के लिए आई थी, पर सारे लोग अपनी माँ के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं भी अपनी माँ के लिए कुछ पढ़ना चाहूंगी कि लगा लो बंदिशें पर मैं कभी रुक नहीं सकती। आई एम ओनली 2.5 ईयर ओल्ड, माई मदर इज नॉट मोर। सो लगा लो बंदिशें कि मैं कभी रुक नहीं सकती, मैं तो उस माँ की खुशबू हूँ जो यूं ही खो नहीं सकती। तो आगे है कि लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ दी वूमेन, मतलब हैं क्या औरतें। कहते हैं ना कि क्या कर लोगी पढ़ लिख के, या फॉरेन जाना है क्यों जाना है, यहाँ पे रह लो ना, यहाँ पे मतलब शादी शुदी करो, सेटल हो जाओ। तो मैंने परिचय देने की कोशिश की है, महिलाओं का परिचय है कि क्या परिचय मैं दूँ अपना, क्या परिचय मैं दूँ अपना, क्या तुमको समझाऊँ मैं, क्या परिचय मैं दूँ अपना, क्या तुमको समझाऊँ मैं, करती हूँ परिचय की व्याख्या केवल दो शब्दों में तुमको। महिला क्या है, सिर्फ दो शब्दों में समझाऊंगी कि करती हूँ परिचय की व्याख्या केवल दो शब्दों में तुमको। है अभिमान हमें खुद पर ये, है अभिमान हमें खुद पर ये, धरती से पाताल लोक तक। है अभिमान हमें खुद पर ये, धरती से पाताल लोक तक सब कुछ हमसे चलता है, धरती से पाताल लोक तक सब कुछ हमसे चलता है। शुरू भी हमसे अंत भी हमसे, तुम्हारे जीवन की पूरी गणना है हमसे। क्या परिचय बतलाऊं अपना, क्या तुमको समझाऊं मैं। आगे दूसरी मेरी पोइट्री है कि जब कोई लड़की वर्ल्ड में आती है तो क्या फील करती होंगी उनकी स्पेशली मदर क्या फील करती है। तो है कि कोमल सी एक कली की तरह जब बेटी धरती पे आती है। यार बहुत नाजुक सी चीज़ें हो रही हैं आज, मैं भी इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी। तो है कि कोमल सी कली की तरह जब बेटी धरती पे आती है, दादी बोले लक्ष्मी आई, बाबा बोले राधा आई है। दादी बोले लक्ष्मी आई, बाबा बोले राधा आई है, पापा बोले मेरे घर मेरी प्यारी बेटी आई है। पर माँ क्या बोले, माँ क्या बोले। जब हम बधाइयाँ लेने जाते हैं ना, बधाई के लिए लोग आते हैं तो पापा को ढूंढते हैं, दादाजी को ढूंढते हैं, जो बधाई देंगे, जो पैसे देंगे। माँ को कोई नहीं ढूंढता, कहते वो रेस्ट कर रही होंगी। पर उनकी भी इमोशंस होते हैं कि क्या पता वो अपनी कुछ बहुत कीमती चीज़ दे दे उपहार में कि मेरे घर में मेरी लक्ष्मी आई है। तो है कि माँ क्या बोले, जिसने बेटी जाई है बस माँ का दिल एक ही करुणा आती है। बहुत प्यार हैं बहुत दुआएं, बहुत प्यार हैं बहुत दुआएं, ना जाने क्या क्या उस पे लुटाती हैं जब एक बेटी धरती पे आती है। तो आगे है कि सहज सहज जब बड़ी हुई है, जब लड़कियां बड़ी होती हैं, तो है कि सहज सहज जब बड़ी हुई है, कभी पढ़ाई कभी राखियों और कभी जुल्फों में उलझ जाती है। कभी पढ़ाई कभी राखियों कभी जुल्फों में उलझ जाती हैं। सहज सहज मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि बाउंडेशन में रहते हैं हम हमेशा से, बचपन से एंड तक, जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हम बाउंडेशन में, किसी ना किसी के बाउंडेशन में रहते हैं। और बाउंडेशन में रहना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि लड़कियों को हम, मैं ऐसा सोचती हूँ कि गर्ल्स एज अ बटरफ्लाई, हमें खुला आसमान चाहिए, पर अगर हम कहीं बैठेंगे तो कोई हमारे रंग चुरा लेगा। तो शायद बाउंडेशन हमें इसलिए लगाई जाती हैं कि हमारे कोई रंग ना चुरा ले और हमें हमारा पूरा आसमान मिल पाए। सो आई एम नॉट अगेंस्ट टू बाउंडेशन, बाउंडेशन होना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप सेल्फ बाउंडेशन भी लगा सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं 2.5 साल की थी जब मेरी मदर नहीं है। सो मेरी खुद की सेल्फ बाउंडेशन रही हैं खुद पे कि हाउ टू लाइक सक्सेस, कैसे हमें ब्राइट फ्यूचर अचीव करना है। तो है कि सहज सहज जब बड़ी हुई हैं, कभी पढ़ाइयों कभी राखियों कभी जुल्फों में उलझ जाती हैं, और फिर एक दिन बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर, फिर एक दिन बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर घर का नाम रोशन कर जाती हैं, और जब वह बेटी खुद को आईने में संवारती हैं, ये वाली फीलिंग बड़ी स्पेशल होती है, जब वह बेटी खुद को आईने में संवारती हैं, कभी चूड़ी कभी लाली कभी पायल पहनती हैं, खुद खुल जाती हैं उनके कमरे की चांद सितारे वाली खिड़की, खुद खुल जाती हैं उनके कमरे की चांद सितारे वाली खिड़की, जब बेटी अपने प्रेम पत्र को अपने तकिए के नीचे छिपाती हैं। तो है आगे है कि फिर आता है एक दिन, ये बहुत इमोशनल होता है हर किसी पेरेंट्स के लिए, फीमेल के लिए, कि फिर आता है एक दिन जब वही बेटी डोली में बैठकर अपने भाई के कंधे पे चढ़ जाती हैं। सहज सहज जब बेटियां बड़ी होती हैं, कभी पढ़ाई कभी राखियाँ कभी जुल्फों में उलझ जाती हैं। 2 मिनट और है। सो लास्ट है कि हमें करना क्या चाहिए, मतलब सॉरी मैं 2 मिनट में बोलूँगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो है कि रानी हो तुम, रानी बनकर रहना,
दिस इज द मैसेज ऑफ वुमेन डे की रानी हो तुम रानी बनकर रहना, अगर मिले पति शिव तुमको तभी पार्वती बनकर रहना, अगर मिले पति शिव तुमको तभी पार्वती बनकर रहना, अगर मिले रावण कहीं पर, अगर मिले रावण कहीं पर तो काली भी बनना पड़ता है, फिर चाहे भाई हो चाचा हो या फिर खुद की माही क्यों ना, फिर चाहे भाई हो चाचा हो या फिर खुद की माई क्यों ना, जब बात भविष्य पर आ जाए, जब बात भविष्य पर आ जाए तो हर रिश्ते से लड़ना, नारी हो तुम बस किसी के बस में मत रहना, रानी हो तुम रानी बनकर रहना। थैंक यू।